Welcome to the poem Mending Wall by Robert Frost, Part 1. कविता मेंडिंग वॉल, जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, के पहले भाग में आपका स्वागत है. इन दिस पार्ट वी शैल सी लाइन्स 1 to 11. इस प्रथम भाग में हम प्रारंभ की 11 पंक्तियां देखेंगे. द पोएम मेंडिंग वॉल इज अ पोएम ऑफ 46 लाइन्स. दीज लाइन्स आर नॉट सेपरेटेड इंटू स्टैंजर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम मेंडिंग वॉल्स. इट इज अ पोएम of 46 lines, and these 46 lines, they have not been separated into stanzas or verses. सबसे पहले हम poem Mending Wall का परिचय और इसका प्रारूप देख लेते हैं. ये कविता 46 lines की है और इसमें पद्य का विभाजन नहीं किया गया है. दे आर डिवाइडेड इंटू मीनिंगफुल पार्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द पोएम ईजियर टू अंडरस्टैंड. द डिविजन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट एंड व्हाट कम्स इन वन पार्ट और इन वन कंक्रीट सॉलिड group that has been concised as one part of the poem. So we cannot say clearly that this is this part and this is this part. We can only count the lines. यहाँ कविता का विभाजन अर्थ के आधार पर किया गया है, क्योंकि इसके अलग अलग stanzas या verses नहीं छांटे गए हैं या नहीं विभाजित किए गए हैं, इसलिए इसको अर्थ के आधार पर या विषय वस्तु के आधार पर बांटा गया है, इसलिए हम केवल इसकी लाइंस को गिन सकते हैं. दिस पोएम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, हेंस वी कैन सेफली अज्यूम दैट द स्पीकर ऑफ द पोएम इज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिमसेल्फ. द पोएम हैज बीन रिटन इन first person, that is, it is a narration by a person who is talking to us, the reader, and we decipher or we guess that the speaker is the poet Robert Frost himself. कविता को प्रथम पुरुष में लिखा गया है. कोई व्यक्ति है जो हमें सुना रहा है ये कविता, और हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो हमें कविता सुना रहे हैं. लेट अस सी द ओरिजिनल लाइंस ऑफ द पोएम. द फर्स्ट 4 लाइंस 1 to 4. समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट सेंस द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स in the sun and makes gaps even two can pass abreast. ये कविता की मूल पंक्तियों में से प्रथम 4 पंक्तियां थी. Let us see the explanation of these 4 lines. The poet Robert Frost thinks that there must be something in the neighborhood that breaks down or demolishes the wall again and again. The way the poem begins leads us to do some guesswork. We have to decide for ourselves what we come to know from the first lines. Kavita ka prarambh jis tarah se kiya gaya hai, usse humme अनुमान लगाना होता है कि कविता में क्या कहने का प्रयास किया गया है.
Robert Frost thinks that there must be something in the neighborhood that breaks down or demolishes the wall again and again. The wall is being demolished again and again by something. It is not being demolished, or it is not being ravished, or it is not being brought down by a person or human beings. There is something that makes it things happen in such a way that the wall falls down. यहाँ एक दीवार है और वो दीवार बार बार गिर जाती है या ढह जाती है और उसके गिरने या ढहने के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, वो कोई कारण है और उस कारण या जो तथ्य हैं उसके पीछे वो हमें बहुत स्पष्ट समझ में नहीं आते हैं। किन्हीं कारणों से वो दीवार हर बार ढह जाती है, वो उसे फिर खड़ा किया जाता है, वो फिर ढह जाती है। इट इज टेम्पर्ड बाय सम एजेंसी विच द राइटर इज अनेबल टू फिगर आउट। द वॉल इज टेम्पर्ड और इट इज डिस्टर्ब्ड बाय सम एजेंसी विच द राइटर और द पोएट is unable to figure out. दीवार किसी वजह से या किसी एजेंसी के कारण या किसी ऐसे कारक के कारण बार बार ढह जाती है जिसका पता नहीं चल पा रहा है, और इसीलिए यहाँ कवि स्वयं भी न स्पष्ट पता कर पा रहा है, न स्पष्ट हमें बता पा रहा है कि दीवार बार बार क्यों गिर जाती है। Therefore, the ice, there is a possibility that the water underneath the ground is frozen. Therefore, the ice expands. Now, if we guess about the situation or the location or the geographical or climatic condition of this place where the wall has been taken as an example, agar hum is jagah या इस स्थान विशेष को देखें जिसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द वॉटर अंडरनीथ द ग्राउंड इज फ्रोजन। वी जस्ट फाइंड अ पॉसिबिलिटी, अ प्रोबेबिलिटी दैट द वॉटर अंडर दिस ग्राउंड इज फ्रोजन। हम एक अनुमान लगाते हैं, हमें एक संभावना दिखती है कि जहां पर यह दीवार बनी हुई है वहां पर नीचे जमीन फ्रीज हो रखी है, जमीन में बर्फ जमी हुई है। देयरफॉर द आइस एक्सपैंड्स, दिस कॉजेज क्रैक्स इन द वॉल, एंड आइस डिपेंड्स ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग डाउन ऑफ द टेम्परेचर। और जहां बर्फ है वहां तापमान का बहुत महत्व है, क्योंकि तापमान जैसे घटता बढ़ता है उसी तरह से दीवार सिकुड़ेगी या उसमें विस्तार होगा या वो फैल जाएगी। तो तापमान का यहाँ पर बहुत आवश्यक एक रोल उत्पन्न हो जाता है, और इसीलिए शायद देयरफॉर द आइस एक्सपैंड दिस कॉजेज द क्रैक्स इन द वॉल। बर्फ जब बहुत जोर से विस्तृत हो जाती है, पसर जाती है, फैल जाती है, तो वो दीवार में दरार पैदा कर देती है। द वॉल बिकम्स वीक एंड अनस्टेबल and the boulders or stones at its top fall or tumble down to the ground. The wall becomes weak and unstable. Now what happens that with this fluctuation in the temperature, hence the fluctuation in the situation of the ground, this causes the wall to crack. Yahan par tapman mein अंतर आता है, उसके कारण जमीन में अंतर आता है और दीवार में दरार पड़ जाती है। द वॉल बिकम्स वीक एंड अनस्टेबल एंड द बोल्डर्स और स्टोन्स एट इट्स टॉप फॉल और टम्बल डाउन टू द ग्राउंड। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन द वॉल बिकम्स वीक एंड अनस्टेबल। इस फ्लक्चुएशन के कारण, इस बदलाव के कारण दीवार कमजोर हो जाती है, और जब दीवार कमजोर हो जाती है तो उसमें अस्थिरता आ जाती है, और इस अस्थिरता के कारण उस दीवार में चिने गए बोल्डर्स या स्टोन्स, उस दीवार में चिने गए पत्थर वो गिर जाते हैं या टम्बल डाउन हो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं।
The crack in the wall increases until it is so wide that two people can pass through it side by side, walking in the same direction. Now the crack in the wall expands, and when it expands to its upper limit, then it is broad enough to let two people walk into it at the same time in one direction. दीवार में जो दरार पड़ती है वो इतनी चौड़ी हो जाती है कि उस दरार में से दो लोग एक दिशा में जाते हुए आराम से निकल जाते हैं, और तब जब वो साइड बाय साइड एक दूसरे के अगल बगल होकर के चल रहे होते हैं. The gap created is a vast one, and the gap created by this crack is a vast one. ये जो दरार पड़ती है ये बहुत बड़ी दरार होती है, या ये जो छेद नुमा एक आकार बन जाता है दीवार के अंदर वो बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा कि दो लोग एक साथ उसमें से निकल सकते हैं. Let us see lines 5 to 11. आइए अब पंक्तियां देखते हैं, मूल पंक्तियां 5 से 11 तक. द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग. आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स. द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम made or heard them made, but at spring mending time we find them there. The poet here talks about lines 15 to 11. यहां पर कविता की मूल पंक्तियां 5 से 11 तक देखी हैं. Let's see the explanation of these lines. अब हम इन पंक्तियों का explanation देखते हैं. In these lines the poet disapproves of the idea that the wall could have been broken by hunters. Now, because a guesswork is going on part of the poet and on the part of the readers as well, they are also trying to fix something or guess something in their own minds. Yahan par कवि भी कल्पना कर रहा है और अनुमान लगा रहा है, और पाठक भी अनुमान लगा रहा है, कल्पना कर रहा है. The poet disapproves of the idea that the wall could have been broken by hunters. The poet does not agree with the idea that the wall could have been broken by hunters. यहाँ कवि इस बात से पूर्णतया असहमत है कि इस दीवार को hunters ने या शिकारियों ने तोड़ा होगा. He himself has made repairs after hunters have rearranged the stones to allow rabbits to come out of their holes for their dogs to catch. He says that he himself has made repairs after hunters have arranged the stones. Now what happens that the hunters, they remove and rearrange the stones because they want to allow the rabbits to come out of their holes for the dogs to catch them. The hunter wants rabbits to come out so that the dogs can chase those rabbits. Now this is a part of the process of their hunting. यहाँ शिकारियों का शिकार खेलते समय एक तरीका होता है या एक पद्धति होती है जिसमें वो छेद को खोल देते हैं, उसमें से खरगोश बाहर निकल करके आते हैं, और जब ये खरगोश बाहर निकल कर आते हैं तो इनके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं. तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के लिए हंटर्स क्या करते हैं कि वो दीवार के जहां छेद होते हैं वहां से पत्थर को हटा देते हैं. द हंटर्स रिमूव द बोल्डर्स और द स्टोन्स फ्रॉम सर्टेन होल्स एंड सो दैट द रैबिट्स कैन कम आउट एंड द डॉग्स कैन चेज देम, ताकि उसमें से खरगोश बाहर निकल के आ जाए और कुत्ते उनको चेज कर लें. However, the gaps that have now appeared on the wall have been made by something that is unseen and unheard. But now, right now, these holes
do not appear to be the type of holes that are made or used by the hunters for letting out the rabbits. लेकिन अभी इन छेदों को देखकर बिल्कुल भी अनुमान नहीं लग पा रहा है या स्वीकार नहीं हो पा रहा है ये तथ्य कि ये वो छेद हैं जो हंटर खरगोश को बाहर निकालने के लिए बना दिया करते हैं. क्यों? However, the gaps that have now appeared on the wall have been made by something that is unseen and unheard. Here now the gaps that have been made, they have been made by something, some source, some force that is unseen and unheard. Something that is mysterious or something that is absolutely unknown. It need not be something supernatural or something metaphysical. It is something that the poet is unable to know or guess or judge. He is unable to imagine what this could be. यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि ये जो छेद हैं ये किस कारण से बन गए हैं या इनके पीछे किस चीज का हाथ है. वो ऐसी कोई चीज है जो अनसीन है, बिना देखी हुई है और अनहर्ड है, जिसके बारे में कभी भी किसी ने सुना ही नहीं है. अब ये चीज यहाँ पर एक तरह का विस्मय पैदा करती है, लेकिन ये विस्मय ऐसा कोई अनयूजुअल विस्मय नहीं है हमें लगे कि ये कोई पराशक्ति है या कोई ऐसी चीज है. ऐसा नहीं है. ये केवल एक साधारण सा अनुमान लगाने का प्रयास रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर रहे हैं कि ये ऐसी चीज ऐसा माध्यम है इन छेदों के हो जाने का जिसका कि हम पता नहीं कर पा रहे हैं. This makes the situation curious and interesting. But the way the poet Robert Frost brings this point or this scene before the readers makes the situation curious and interesting. यद्यपि ये बिल्कुल छोटी और साधारण सी बात है कि दीवार में से पत्थर निकलकर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं और पता नहीं चलता है कि ये दीवार तोड़ता कौन है या इसमें छेद कौन पैदा करता है, लेकिन जिस तरह से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस छोटी सी बात को एक बहुत खूबसूरत अनुमान के अंदर पिरो करके बताने का प्रयास किया है, उससे एक तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है, ये जानने का मन होता है कि ये दीवार कैसे टूटा करती है. हर बार टूट जाती है, फिर जोड़ी जाए, फिर टूट जाए, फिर जोड़ी जाए, फिर टूट जाए, ऐसा क्या है और कौन तोड़ रहा है. तो ये क्यूरियोसिटी होती है जब हम इस कविता को पढ़ते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज द पोएम बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड बिकॉज देर इज अ फ्लो ऑफ एक्शन दैट इज वाई द पोएम बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ क्रियाशीलता उत्पन्न हो गई है पत्थरों के गिरने और फिर रखे जाने, फिर गिरने, फिर रखे जाने से, तो उसके कारण भी कविता बहुत ही रुचिकर लगती है. Let us see the explanatory notes to these first 11 lines. Boulder, a very large rock. यहाँ पर हम कुछ शब्द या वाक्यांश देखते हैं जो पहली 11 पंक्तियों को समझने में सहायक हैं. Boulder, a very large rock. एक बहुत बड़ा पत्थर, बड़ा शिलाखंड या बहुत बड़ा पत्थर. Gap, an empty space. In something or between two things. दो वस्तुओं के बीच खाली जगह, किसी वस्तु में छेद या दरार. Gap. Then hunter, a person that hunts wild animals for food or sport. An animal that hunts its food. शिकारी, व्यक्ति जो खेल में या खाने के लिए शिकार करता है. शिकारी, पशु जो खाने के लिए शिकार करता है. यल्पिंग, टू गिव अ सडन शॉर्ट क्राई एस्पेशली ऑफ पेन. चीखना, विशेषतः दर्द के कारण. सो हियर
we have seen the first 11 lines of the poem. अभी हमने poem Mending Wall की पहले की 11 पंक्तियां देखी हैं. Line 12 onwards follows in the next video. Kindly see the next video, part 2. इसके आगे की पंक्ति 11 से आगे की कविता अगले वीडियो में है. कृपया अगली वीडियो देखें. थैंक यू. धन्यवाद.